लोग का एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद हो सकता है आपको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड भी लगे, इफ आपका एक भी दिन फोकस लूज हुआ, आप लोगों ने नोट्स को प्रॉपरली ईच एंड एवरी पॉइंट को नहीं लिखा और रिवाइज नहीं किया, इट माइट पॉसिबल आगे जाके आप लोग फंस जाओ, या तो आप फॉरफीचर रीइशू वाला एंट्री में जाके फंस जाओगे प्रोराटा अलॉटमेंट में, या फिर जब हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे तब आप जाके फंस जाओगे। तो मेक श्योर एकदम लाइटली लेना है। नाउ यू हैव टू थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, आज से आप लोगों की आपकी खुद की कंपनी है, नाउ यू आर नो मोर ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ना आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या है आपका, आप लोग एक कंपनी हो। यू हैव टू थिंक लाइक अ कंपनी कि कंपनी कैसे प्रोसेस करेगी, कैसे वर्क करेगी। इज इट क्लियर? इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि आउट ऑफ योर सिलेबस इट कवर्स अराउंड 15 to 20 marks, मिनिमम 15 marks, ऊपर में 20 marks ये पूरा चैप्टर कवर करता है कंपनी अकाउंट्स। देयर आर 3 chapters इन कंपनीज अकाउंट। नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स, कि हम शेयर्स वगैरह कैसे इश्यू करते हैं, ठीक है। नंबर 2 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एंड नंबर 3 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे इश्यू से हमें इतना कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट में जाके हम कैसे इश्यू करेंगे या क्या करेंगे, द मेन पॉइंट इज हम लोग उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। हम लोग को तो सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है, मुनीमगिरी सीखना है कि अकाउंट्स हम लोग कैसे करने वाले हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इन चैप्टर से एग्जाम में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, एंड इवन 8 mark का 6 mark का बड़ा क्वेश्चन भी आता है। तो ओवरऑल सब कुछ कवर्ड रहेगा इस चैप्टर के अंदर से। जैसे आपने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था, वो एक छोटा चैप्टर था जहां पे छोटे मार्क के क्वेश्चन आते, सॉरी अराउंड 4 mark समथिंग का क्वेश्चन आता था उससे, लेकिन ये 15 to 20 marks है। तो ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला सब्जेक्ट, और जिसने अभी हाथ के हाथ साथ के साथ जो प्रोसेस मैं बताऊंगा उसी प्रोसेस से सीखता गया, जिस प्रेजेंटेशन का तरीका बताऊंगा, जहां बोलूंगा कि ये सारी चीजें लिखनी है ईच एंड एवरी टाइम वी सॉल्व अ क्वेश्चन, तो लिखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड एक चीज प्रॉमिस करो, यू आर नॉट गोइंग टू यूज कैलकुलेटर थ्रू टाइम, ठीक है। जितने टाइम तक ये अपना चैप्टर चलेगा आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, लगे कोई बात नहीं 2 minutes एक्स्ट्रा लगेगा, आप रफ में उसको सॉल्व करो। साथ में हमेशा एक रफ पेपर लेके रखना, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हमेशा आपको चाहिएगा, ठीक है। वो कॉपी के पीछे बार बार या आगे करके मत करना, क्योंकि जिसने कैलकुलेटर यूज किया, मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में लास्ट में जाके आपका पेपर खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। यस, इट इज परमिटेड फॉर द आईसीएसई स्टूडेंट। यदि आईसीएसई स्टूडेंट अभी कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे, दे विल नॉट हैविंग गुड कमांड, तो आप लोग को यूज करना है जितना ज्यादा आप यूज कर सकते हो, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। एंड डू यूज दैट कैलकुलेटर ओनली विच आर गोइंग टू यूज इन योर एग्जाम, ठीक है। तो अब देखो कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना होगा, एक कंपनी होता क्या है, व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ अ कंपनी। कोई बता पाएगा व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ अ कंपनी? कोई भी चीज का इवोल्यूशन क्यों होता है? अरे क्या चीज भैया, लिमिटेड लाइबिलिटीज के लिए। लिमिटेड लाइबिलिटीज के लिए, हाँ ठीक है, ये तो आपका वो हो गया, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आंसर हो गया, जस्ट नॉर्मल। हमें कंपनी की जरूरत क्यों थी, व्हाई वी रिक्वायर्ड कंपनीज। जैसे कि पहले पुराने जमाने में वो बड़े बड़े फोन आते थे, देन कॉम्पैक्ट फोन आने लगे, देन छोटा फोन आने लगा, देन स्मार्टफोन आने लगे, फिर और होता जा रहा है ना ऐसा, तो ऐसा जरूरत क्यों है? उस फोन से भी बात होता था जो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, और आज जो फोन है उससे भी बात होता है, देन व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ सर्टेन फेजेस ऑफ टेलीफोन्स। ऐसा क्यों होता था? सर्विस बेटर करने के लिए। क्या करने के लिए? सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब कोई बिजनेस इतना बड़ा हो जाता कि एक आदमी संभाल नहीं सके, तो उसको मल्टीपल आदमी संभाल दे। कुछ हद तक, कुछ एग्जैक्ट टर्म्स नहीं मिल रहे, और कोई ट्राई करो, अरे पार्टिसिपेट करो, जो नींद में उठ जाओ अब। गुड मॉर्निंग, तो अब तुम लोग कैसे ऐसे ऐसे करोगे, हा 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 हा, तब नींद खुलेगी, उठो
बोलो बोलो बोलो। अरे हमेशा एक नई चीज का इवोल्यूशन क्यों होता है? पुरानी चीज का ड्रॉबैक दूर करने के लिए। पुरानी वाली चीज में कुछ ना कुछ इश्यू होगा, तभी तो आपने नया वाला क्रिएट किया है। जब बड़ा वाला मोबाइल फोन था तो उसके अंदर क्या था? इतना बड़ा था, कहने में बहुत इश्यू होगा कॉम्पैक्ट ना। फिर कॉम्पैक्ट फोन में क्या था? फोन तो होता था बट और बहुत सारी चीजें नहीं होती थी। वर्कआउट नहीं होता था, फोटो नहीं खींच सकते थे आप लोग, इंस्टाग्राम नहीं बना सकते थे, टिकटॉक नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो वो सारा ऐसे कर करके तो एडवांसमेंट हुआ, राइट? इज इट क्लियर यहां तक? सिमिलरली कंपनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ? बिकॉज कंपनी बनने से पहले हमने दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है? और एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, दैट्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? तो उन लोगों की ड्रॉबैक्स जो थी वो दूर करने के लिए कंपनी का इवोल्यूशन हुआ कि कंपनी पैदा हो गई। लोगों ने कंपनी क्रिएट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन अकेला कितना मेहनत करेगा, कितना पूंजी लगाएगा, कितना कैपिटल लगाएगा, देयर इज अ लिमिट टू इट। इफ आप पार्टनरशिप भी करोगे तो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, आप सपोज 10 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो अच्छा बात है, आप डिवाइड कर सकते हो वर्क, लेकिन उसमें इश्यू था कि आपका जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है बिकॉज पार्टनरशिप फॉर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इन द आई ऑफ लॉ देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका अपना कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, तो वो उसका एक अपना ड्रॉबैक है। इज इट क्लियर? तो वो सब रिमूव करने के लिए कंपनी का इवोल्यूशन हुआ, दैट्स द रीजन वी रिक्वायर्ड कंपनी। तो तभी आया कंपनीज एक्ट 1956, पहला जो कंपनी का एक्ट आया था वो आया था 1956 में। उसमें सर्टेन डेफिनेशन, सर्टेन वेज बताया गया कंपनी को कैसे रजिस्टर करवा सकते हो, कंपनी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो पहले हम लोग समझते हैं डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ध्यान रखना, अभी कुछ टाइम तक, एक या दो लेक्चर तक हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी कॉपी यूज करेंगे, जब तक हम लोग का प्रॉपरली नोट्स लिखना हो नहीं जाता, उसके बाद में प्रैक्टिकल कॉपी। जब मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल कॉपी तो वो चीज प्रैक्टिकल कॉपी में करना, अदरवाइज ईच एंड एवरीथिंग इन थ्योरी कॉपी। तो कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, क्या हो रहा है, ये चैप्टर के नाम इश्यूज ऑफ शेयर है ना? यस, इश्यूज ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, कि हम लोग कैसे शेयर्स, जब शेयर्स कंपनी इश्यू करती है तब हम लोग क्या क्या अकाउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सबको लिखोगे डेफिनेशन, कंपनी इज एन artificial person created by law having separate legal entity with perpetual succession and a common seal. That's the definition of company. हाँ, लिख लिया। तो कंपनी कौन होता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा आप लोग का ऑब्जेक्टिव, जो भी सेवा बोर्ड वगैरह में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्या वो सब लिखना होता है फीचर्स,
तो आप कैसे लिखोगे? इस डेफिनेशन को ब्रेक करके बन जाता है पहला पॉइंट, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? जिसको जिसको ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया है, जो नेचुरली बॉन्ड नहीं नहीं है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं. पर्सन का मतलब इंसान, आर्टिफिशियल मतलब जिसको क्रिएट किया गया. किसने क्रिएट किया? ह्यूमन बींग ने क्रिएट किया. जैसे कि कोई भी बिजनेस का नाम, कोई भी फॉर्म का नाम, कोई भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन का नाम, वो सारे क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. उनको पर्सन क्यों बोला गया? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बिजनेस एंड बिजनेस मैन आर टू सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ. दोनों अलग अलग होते हैं. इसीलिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कानून के नजर में उन लोग एक अलग इंसान है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? वही बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, इसलिए ओनर और बिजनेस के बीच में जो होता है. यस, ओनर एंड बिजनेस दोनों सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी. कानून की नजर में, इन द आई ऑफ लॉ, बोथ आर सेपरेट पर्सन. जैसे मैं और मेरी एक कंपनी है B3 लिमिटेड, तो मैं क्या हूं? मैं भी एक इंसान हूं इन द आई ऑफ लॉ, एंड B3 लिमिटेड भी एक इंसान है विथ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? Which will last forever. Yes, which will last forever. इसका मतलब किसी के मर जाने से वो बंद नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू फॉर एवर. जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अंबानी जी मर गए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा क्या? नहीं, उसके बचे हुए बाकी डायरेक्टर्स चलाएंगे. हो सकता है अंबानी का शेयर जिसके पास जाएगा वो चलाएगा. सो इट विल कंटिन्यू फॉर एवर. ये परपेचुअल सक्सेशन है. सक्सेशन का मतलब वो सक्सीड होता जाएगा. एंड अ कॉमन सील. कॉमन सील का मतलब बंद कर देना. सील का मतलब सिंबल नहीं होता. नहीं, स्टैम्प ब्रांड इज कंपनी का स्टैम्प. नो, यस, कंपनी का सिग्नेचर, नॉट ए स्टैम्प. नो, यू कैन नॉट से ब्रांड. ब्रांड नहीं होता. कॉमन सील इज नॉट ए ब्रांड, इट इज द स्टैम्प, आइडेंटिफिकेशन मार्क. यानी अब देखो, कंपनी कोई इंसान तो है नहीं. यदि मुझे बोले अरुण, आई एम अ ह्यूमन बींग, आई कैन प्रेजेंट, बट कंपनी ने ऑर्डर पास किया है. अरे कंपनी ने ऑर्डर पास किया, एम्प्लॉयज कैसे मानेंगे? आपको एक डॉक्यूमेंट में कंपनी का सिग्नेचर करना पड़ेगा ना. कंपनी का एक आइडेंटिटी मार्क लगा दे और उसमें ऑथराइज सिग्नेचरी जब साइन कर दे, तब क्या माना जाता है कि कंपनी के थ्रू है. जैसे कि आप आजकल गवर्नमेंट ऑर्डर्स देखते हो, आप टाइम टू टाइम कोविड में गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ रहे ना, हाउ यू रिलाय कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है या नहीं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है? हम लोग बोलते ना, ये तो फेक है और हाँ ये वाला रियल है. जब गवर्नमेंट पर्सन की तरफ से ऑफिशियल गैजेट से अनाउंसमेंट होती है और उसके अंदर में गवर्नमेंट की स्टाम्प और ऑथराइज्ड पर्सन जिसको साइन करने की परमिशन है, जब वो किया हुआ रहता है, तभी हम उसको ऑथेंटिकेटेड मानते हैं ना. हाँ. तो वो जो स्टाम्प है वो क्या है? उसकी आइडेंटिटी है, गवर्नमेंट की आइडेंटिटी. गवर्नमेंट कोई इंसान है क्या, चलता फिरता, जिसको हम पकड़ लेंगे, गले में हाथ डाल के घूमेंगे? ठीक है, तो वो क्या है? वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है. तो उसकी अपनी आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं कॉमन सील. बट इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि फर्म की कोई आइडेंटिटी नहीं है, वहां पे रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है. एंड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मालिक ही बिजनेस होता था और बिजनेस ही मालिक होता था, तो वहां पे भी ये चीज नहीं होती थी. दैट्स द रीजन देयर वाज अ नीड फॉर कंपनी. समझ में आया कंपनी का डेफिनेशन? ये याद कॉमन सील, वो जो सील है कंपनी का, स्टैंप है, उसी का बात है. हाँ हाँ, कंपनी का जो स्टैंप होता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे, यदि आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कोई भी कंपनी का स्टाम्प हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टाम्प है, उनसे मांग के देखो, उन लोग देंगे ही नहीं, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे तो हर कोई डॉक्यूमेंट में वो स्टाम्प लगा के आप यूज कर लोगे सिग्नेचर को कॉपी करके. इज इट क्लियर? जैसे आपने पासपोर्ट में देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, वो जो स्टाम्प होता है उसको बनाने में कितनी कला चाहिए, कि एग्जैक्ट सेम एज इट इज, इंक लेवल वगैरह, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह, जितना मिलाना है गैपिंग, वो सब चीज परफेक्ट होना पड़ेगा. थोड़ा सा इधर से इधर हुआ तो पता चल जाएगा ये फ्रॉडलेंट है. इज इट क्लियर? सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. आप सबको याद होना पड़ेगा, बिकॉज ये हर लेवल के एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन के अंदर में.
कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको भगवान ने नहीं, किसने बनाया? कानून ने बनाया है. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं. विद परपेचुअल सक्सेशन वो चलता ही जाएगा. एंड है कॉमन सील, एंड उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील. इज इट क्लियर? तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. ये क्लियर है? तो पहले कंपनी को जानना जरूरी था कि कंपनी होता क्या है. अब जानना जरूरी है कि कंपनी कितना तरीके का होता है, कितने कंपनीज होता है. ठीक है, चलो हम लोग हेडिंग लिखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर बताना कितना तरह का होता है. टाइप्स ऑफ कंपनीज, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी और फिर बाद में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ओके, देन कंपनी लिमिटेड बाय ये शेयर्स. कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, सारा याद कर लिया क्या तुम? हाँ, हम लोग स्कूल में भी चल रहे हैं ना, तो इसलिए मालूम है, वीडियो सुनते रहते हैं. ओके, या आप कुछ लिख रहे हैं क्या इसके अंदर? दिखा रहा नहीं, लिख तो रहा है. नेट इशू है क्या? या फिर अभी लाइन जाना? लाइंस की चल रही है आपको? मेरे यहाँ पे तो शो कर रहा है, जस्ट होल्ड ऑन. अरे वो क्लासिफिकेशन का लाइंस बनाया भैया कि कितना टाइप्स होते हैं. हाँ, मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने तो जस्ट तीन लाइन ड्रॉ किया है. टाइप ऑफ कंपनीज का हेडिंग दिया और थ्री ब्रांचेस बनाए मैंने उसके. अब लिखूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा उसके अंदर में. एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी. एक कंपनी होती है जो होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी की. और एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. Is it clear? Unlimited liability का मतलब क्या होता है? ये owners का unlimited liability है. कंपनी के जो owners होंगे, जो members होंगे, कंपनी में जो members होंगे उनकी liability क्या है? Unlimited है. इसका मतलब भैया हम बोल इन लोग अपना घर का एसिड्स भी यूज कर सकते हैं और जो उन लोग का फैक्ट्री है सब का जो एसिड है यूज कर सकते हैं ताकि पैसा आ सके और हम लोग बचा सके कंपनी को लॉस होने से. ठीक है, एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ अ कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी जब बंद होने वाली होती है, नुकसान में होती है, तो जो उसके लाइबिलिटीज होती है, जो उनके क्रेडिटर्स होते हैं, जिन जिन से कंपनी ने लोन लेकर रखा है, उनको तो पैसा चुकाना है ना, तब क्या करेंगे? अब कंपनी की पोजीशन खराब है तो उन लोग अपना पैसा रिकवर करने की क्या करेंगे? कंपनी की एसेट्स बेचना स्टार्ट कर देंगे. उनको तो अपने पैसे से मतलब है, कोई लेना देना नहीं है कंपनी क्या सिचुएशन में है. इफ कंपनी की एसेट सेल ऑफ करने के बाद भी यदि हम 100% लायबिलिटी कंपनी का नहीं चुका पाए तो हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स, पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स भी सेल ऑफ करते हैं टू पे ऑफ द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी. दिस इज नोन एज अनलिमिटेड कंपनी. इज इट क्लियर? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड बाय गारंटी. लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब इसमें घर का प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हम लोग. अगर जिस कंपनी डूबने वाला है तो हम लोग घर का जो एसेट्स है वो यूज नहीं कर सकते हैं, पर्सनल एसेट. ऐसा कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स नहीं होता और जो मेंबर्स है वो गारंटर्स रहते हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं है. देखो, लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी का मतलब होता है जितनी गारंटी मेंबर्स ने ले रखी है आप बस उतना ही पैसा उनसे ले सकते हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप.
वाइंडिंग का मतलब जब कंपनी बंद होने की कगार में है, अब लाइबिलिटीज का पे ऑफ करना है, उस कंडीशन में इफ कंपनी के पास एसेट शॉर्टफॉल है, तभी भी आप अपने मेंबर से नहीं बोल सकते कि आप सारा पैसा लेके आओ। उन्होंने जब मेंबर बनने के टाइम जितना जितना गारंटी दिया था ना, उतना पैसा ही आप उनसे ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। दैट्स कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो भैया ये तो एनपीओ हो गया ना पूरा? नहीं, एनपीओ के अंदर में तो हम मेंबर से पैसा ही नहीं लेते, पहला बात ये। क्या चीज एनपीओ टाइप की जैसा ही हो गया थोड़ा बहुत? टाइप वाइप कुछ नहीं होता इधर। पहला बात, एक तो कंपनी का मोटिव होता है प्रॉफिट, तो एनपीओ का बात ही नहीं आना चाहिए। एनपीओ का होल एंड सोल मोटिव होता है नॉट फॉर प्रॉफिट, सर्विसेज रेंडर करना। तो कोई रिलेशन क्रिएट करने का वो कोशिश मत करो, वरना खुद फंस जाओगे बाद में। हाँ, उन लोग का लॉस भी लॉस है। इफ कंपनी के एसेट सेल करने के बाद और जितना जितना मेंबर्स ने गारंटी किया वो पैसा भी हमने उनसे ले लिया, उसके बाद भी लायबिलिटी का पे ऑफ नहीं हुआ तो डूब गया। बिजनेस इज अ रिस्क। आप जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो देन इट्स अ रिस्क। आप रिस्क ले रहे थे, वो रिस्क आपके फेवर में नहीं हुई, आपका पैसा डूब गया, लॉस इज लॉस। ठीक है, देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स समझा था, शेयर्स क्या होता है ये तो क्लियर है। जब कंपनी के टोटल कैपिटल को एक फिक्स नंबर ऑफ डिविजिबल नंबर से हम लोग डिवाइड करके यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट इज नोन एज शेयर्स। हाँ कपिश, बोलो। रेस किया था है? नहीं भाई, अब ये भूल से हो गया। ठीक है, तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? जितना जितना वैल्यू ऑफ शेयर्स उनके पास है बस वो उतना ही पेमेंट करेंगे, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स तक की ही लायबिलिटी है। दस रुपए का शेयर है तो आप हर मेंबर से दस रुपए मंगा सकते हो। सपोज कंपनी ने अभी तक सारे मेंबर से ₹8 पर शेयर कॉल्ड कर रखा है, ₹2 नहीं मंगवाते। अब ₹2 क्या करती है कंपनी? वाइंडिंग अप के टाइम मंगवाएगी, क्योंकि जितना अनपेड पार्ट ऑन द शेयर्स है उतना पैसा तो आप शेयर होल्डर से मंगवा सकते हो, लेकिन बाकी नहीं मंगवा सकते। आई बात समझ में? बाकी आप नहीं मंगवा सकते। तो दैट्स वापस रिपीट करिएगा। मैंने ये बोला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है जितना अनपेड पार्ट ऑन शेयर्स होता है ना, उतना पैसा ही मेंबर्स वाइंडिंग अप के टाइम देंगे, उससे ज्यादा ₹1 भी नहीं देंगे, ना ही कंपनी मंगवा सकती है। दैट्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड में तो कितना भी पैसा, इवन पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ जाए। गारंटी के केस में जितना उन्होंने पर्सनल गारंटी दिया है उतना, बट इन केस ऑफ ए शेयर्स जितना अनपेड पार्ट ऑन द शेयर्स होता है ना, उतना ही पैसा कंपनी मंगवा सकती है, उससे ₹1 ज्यादा नहीं मंगवा सकती। इज इट क्लियर? दैट्स कंपनी। क्या चीज समझ में नहीं आया? समझ में नहीं? जैसे शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10, लेट्स टेक एन एग्जांपल, शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 है, और कंपनी ने ₹8 कॉल कर लिया था, ₹2 कॉल करना बाकी है। अब ₹2 कॉल करने की डेट से पहले कंपनी का क्या हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कंपनी की कंडीशन खराब, कंपनी बोली अब बंद ही कर देंगे। अब कंपनी जब बंद कर रही है तो पहले उसको अपनी लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा, जितनी भी बुक्स में लायबिलिटी थी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए पैसा अरेंज करेगी, कैसे अरेंज करेगी? अपने एसेट्स वगैरह मार्केट में बेचेगी और पैसा आएगा, प्लस ये जो ₹2 है ये तो शेयर होल्डर से मंगवा सकती है ना। तो ये ₹2 मंगवा लेगी, क्या इससे ज्यादा मंगवा सकती है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं। चाहे कंपनी में शॉर्टफॉल है, कंपनी में पैसा नहीं है, उनसे ₹2 भी मंगवा लिया, कंपनी की सारी एसेट्स भी बेच दी, उसके बाद भी हम हमारे कंपनी का सारा लायबिलिटीज पेमेंट नहीं कर सकते, क्या उसके और ज्यादा शेयर होल्डर से मंगवा सकती है क्या? ना, फिर और नहीं मंगवा सकती। दैट्स लिमिटेड बाय शेयर्स। जितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास होते हैं एंड पर शेयर जो वैल्यू है बस मैक्सिमम उतना ही अमाउंट, उससे ₹1 ज्यादा कंपनी नहीं मंगवा सकती। इज इट क्लियर आदेश? यस भैया। क्या चीज? अगर कोई फर्स्ट कॉल में पैसा सारा पेमेंट कर दिया, इफ किसी ने पूरा का पूरा पैसा दे रखा है
तब वो कुछ नहीं मंगाएगा, एक रुपए भी एलिजिबल नहीं है कंपनी उनसे मांगने के लिए। बट है ना, वो जो कॉल्स इन एडवांस आपने सीखा आपको समझाने के लिए, ऐसे नहीं होता है कि आप अपनी मर्जी से कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता। कोई एक्स्ट्रा पैसा देना चाहता है और कंपनी ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करती उसका पैसा, उसके लिए उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिखाना पड़ता है कि हम एडवांस में पैसा एक्सेप्ट करेंगे शेयर होल्डर से। तो अब देखो लिमिटेड बाय शेयर्स में कितने, हाँ बोलो, इनका डेफिनेशन सब खुद से लिखाएगा क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी, इन सबका लिखाऊं क्या जरूरत है? हाँ भैया लिखाई दीजिए। क्योंकि कैसे इशू करोगे, शेयर्स की एक वैल्यू होती है अपनी, तो इसमें शेयर्स नहीं देते, इसमें हम मेंबर्स क्रिएट करते हैं। एंड लास्ट वाला के अंदर हम लोग पब्लिक में शेयर्स बेचते हैं। हाँ पब्लिक में शेयर्स बेचते हैं, इसमें भी कुछ है कंडीशन, बेचते हैं नहीं भी बेचते हैं, अलग अलग तरह की कंपनीज है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में लिखना, शॉर्टकट में लिखा रहा हूं ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिकली पूछता नहीं है आपको एग्जाम में कि व्हाट डू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम लोग लिख के रखते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैसी कंपनीज होती है, दोज कंपनी वेयर द लाइबिलिटी of members are unlimited, that is at the time of winding up of company to settle the liability, to settle the liabilities of company if any shortfall, if any shortfall then even the personal property of the members can be sold off, हम लोग उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं पैसा लाने के लिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए तो इंडिया में इस टाइप की कंपनी होती ही नहीं है। इंडिया में इस टाइप की कोई कंपनीज है ही नहीं जिसमें अनलिमिटेड कंपनी का एग्जांपल। हाँ कोई एग्जांपल इसमें नहीं है, कोई कंपनी है ही नहीं। कोई क्यों ऐसी कंपनी क्रिएट करेगा जहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है? कंपनी तो बनाया ही जाता है धोखा देने के लिए। तो भैया ये रिस्क फ्री है ना, बाकी धोखे से तो रिस्क कम है इसमें। इसमें सिर्फ मेंबर्स की रिस्क कम है, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उनकी रिस्क सोचिए। हाँ इसमें रिस्क फ्री है तो कोई क्यों करेगा, तुम इसका इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे, तुम इसके मेंबर्स क्यों बनोगे? सोचो हम 10 जन ने मिल, हम मैंने कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी में हम लोग 10 मेंबर्स बन गए। हम लोग 10 नहीं, सपोज हम लोग 20 जन है अभी, तो 20 जन मेंबर्स बन गए उसके अंदर में। उस 20 जन के में 2 जन ऐसे खुरापाती थे जिन्होंने कम से कम 500 करोड़ का स्कैम किया और गायब, भुगतना किसको पड़ेगा? बाकी स्कैम किए, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी पैसा चुकाने के लिए। जब तक वो पैसा नहीं चुकेगा ऐसी कंपनी बना के फायदा क्या? फिर फायदा क्या हुआ? जब भी हम कोई चीज क्रिएट करते हैं हम हमारा प्रॉफिट देखते हैं, फायदा देखते हैं, उसमें रास्ता देखते हैं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया मैं शांति से निकल के छोटे से दरवाजे से भाग तो जाऊंगा ना। जैसे मालिया जी, मालिया जी कितने आसान तरीके से किंग फिशर से निकल के ना,
मालिया जी ने साफ साफ बोला, देखो आई एम अ सेपरेट पर्सन, आई एम विजय मालिया, आई एम अ ह्यूमन बींग। पर्सन कौन है? किंग फिशर। आप किंग फिशर को पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो कंपनी चलाई, कंपनी अच्छे से नहीं चली, और आप लोग ही बोलते हो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो पकड़ो कंपनी को। कंपनी के नाम पे जो जो प्रॉपर्टी आपको जो करना है करो, सारी प्रॉपर्टी बेच दो उसकी लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकते। आई बात समझ में? यही अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती तो माल्या जी का क्या होता, सारी की सारी प्रॉपर्टी तक तक हम लोग बेच देते, जितना भी उसने लोन लिया था। आई बात समझ में? इसीलिए हम लोग कंपनीज क्रिएट करते हैं नॉर्मली लिमिटेड बाय शेयर्स। इंडिया में जितनी भी कंपनीज क्रिएट होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज का एग्जांपल ऐसा मुझे पता भी नहीं, क्योंकि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कोई क्यों क्रिएट करेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी? ठीक है, हाँ भैया, लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें क्या लिख सकते हैं हम? प्रॉपर्टी मॉर्गेज और कार मॉर्गेज क्या होता है? प्रॉपर्टी मॉर्गेज एंड कार मॉर्गेज का तो मतलब ये हो गया कि आपने कोई किसी से लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में गिरवी रख देना, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अपनी कार गिरवी रख दी। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ओके सर। लिमिटेड बाय गारंटी, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड to the guarantee given by them at the time of winding up, at the time of winding up company cannot ask for amount more than the guarantee amount. जितना guarantee दे रखा है बस उतना पैसा ही वो अपने member से ले सकती है, उससे ज्यादा हम लोग नहीं मांग सकते। इज इट क्लियर? हाँ भैया। लिमिटेड बाय शेयर्स। अब देखो शेयर्स वाली कंपनियां तीन तरह की होती है, शेयर्स वाली कंपनियां तीन तरह की होती है। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, और एक होता है वन पर्सन कंपनी। ये तीन तरह की कंपनीज होती है जिसमें शेयर्स के थ्रू मेंबर बनाए जाते हैं। अगर भैया जैसे इन लोगों को कंपनी चेंज करने, जैसे इन लोग प्राइवेट कंपनी में है पर इन लोगों का अब उसमें घुसने मतलब पब्लिक में, तो लोग कैसे जा सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स, जो पब्लिक कंपनी के केस में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो प्राइवेट कंपनी के टाइम नहीं चाहिए थे, तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ेंगे, वहां सबमिट करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि अब हम लोग पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं। एंड इफ सारे डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री है, जो जो गाइडलाइंस चाहिए एक पब्लिक कंपनी को वो सारा फुलफिल किया है, तो उनको पब्लिक कंपनी का टैग दे दिया जाएगा। मतलब अलग से कुछ देते हैं उन लोग को? हाँ, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ना, जैसे कि आपको क्लास एमओए एंड ओए, क्लास, हाँ क्लास 11 से क्लास 12 में आना है, आप ऑलरेडी क्लास 11 में, अब आप क्लास 12 में आना चाहते हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि आप क्लास 11 में पास हो चुके हैं, उसकी मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, वो सारे सब। हाँ।
सबमिट करने पड़ेंगे ना, तभी तो जाके आपको क्लास 12th में प्रमोट किया जाएगा। सिमिलरली इज दिस प्राइवेट से पब्लिक आना, यहां तक क्लियर है? कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है? कंपनी क्या था? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। याद करने की कोशिश करो साथ के साथ, ऐसे नहीं हाँ ठीक है समझ में आ गया बाद में याद कर लेंगे, बाद नहीं आता, किसी ने नहीं देखा बाद का टाइम। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज। फिर मेरे पास कितनी तरह की कंपनीज हो सकती है? कुछ ऐसी कंपनियां होती है जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जहां पे लिमिटेड होती है, मतलब गारंटी जितना दे रखा है उतना ही होता है, और कुछ होती है जिनकी लायबिलिटी सिर्फ शेयर्स की लिमिट तक होता है, शेयर्स की वैल्यू तक। उसमें थ्री कैटेगरीज ऑफ कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। तो अब एक और एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है? वन पर्सन कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं बोल सकते? नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फर्म, इज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, उसकी कोई वो अपने नाम से फर्म, जैसे सोल प्रोप्राइटर आपका जो दुकान है पापा का, पापा अपने नाम से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन दुकान के नाम से नहीं खरीद सकते, दुकान के नाम से प्रॉपर्टी नहीं बन सकती, उसमें जो सिग्नेचर और उसमें जो नाम आएगा ना वो पापा का ही नाम आएगा। बट इन केस ऑफ ए कंपनी, कंपनी के नाम से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है? ये कंपनी फॉर्म नहीं? नो, कंपनी इज नॉट ए फॉर्म। फॉर्म का डेफिनेशन क्या है? फॉर्म की डेफिनेशन जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बोला ना, ये हो गया फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म जो छोटा रूप होता है। फर्म का मतलब क्या है कि उनकी लायबिलिटीज वगैरह अनलिमिटेड है, ज्यादा परमिशन नहीं है उनको, और पार्टनरशिप के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं पॉइंट बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं चाहिए, इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आरओसी की कंप्लायंसेस नहीं है, टाइम टू टाइम मीटिंग्स नहीं बुलानी होती है, तो वो हो गया फर्म, ठीक है? नाउ अब समझना चाहिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होता है। वन पर्सन भी समझेंगे कि वन पर्सन कंपनी क्या होता है, नाम से पता चलता है, लेकिन वन पर्सन का मतलब क्या? एक आदमी कंपनी क्रिएट करेगा, वन पर्सन का मतलब एक आदमी कंपनी क्रिएट करेगा, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है, कोई बताएगा? प्राइवेट हो गया जो मेंबर्स के बीच में शेयर्स डिवाइडेड रहता, पब्लिक हो गया कि पब्लिक से पैसा लेने के लिए शेयर्स पब्लिक में बेच देता। यस भैया, प्राइवेट में दो मेंबर्स काम करते हैं और पब्लिक में दो से ज्यादा, राइट? प्राइवेट में बस दो ही होता है, हाँ, मिनिमम दो, मिनिमम दो। एक तो वो होता है ना मेंबर्स, और दूसरा मतलब जो सामान लाता है, मतलब दो था, अरे नाम भूल गया, क्या बोलता था, इंट्रोस्पेक्टर और फिर ऐसा कुछ था ना भैया, क्या है पढ़ना है वो सब, क्या काम का, क्यों थक रहे हो इतना, इतना ज्ञान तो चाहिए ही नहीं, आगे जाके भी नहीं चाहिए वो सब चीजें, तो इतना क्यों थकना भैया। प्राइवेट में एक रेस्ट्रिक्शंस होता है नंबर का, एक इसे ज्यादा नहीं कर सकते, और पब्लिक में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना मेंबर्स करना है वो लोग इंक्लूड कर सकते। पहला चीज देखो, मेंबर्स तो ठीक है, पहला चीज समझ आता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक, दिमाग में आना चाहिए प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी, ठीक है? यानी प्राइवेट का मतलब जहां पे पैसा प्राइवेटली लगा हुआ है, पब्लिक का नहीं लगा हुआ, और पब्लिक कंपनी का मतलब जहां पे पैसा पब्लिक का लगा हुआ है, सिंपल है ना? प्राइवेट का मतलब प्राइवेट, जैसे तुम लोग बोलते हो ना ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और ये पब्लिक डिपार्टमेंट है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कैसे बोलते? गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट वाले में प्राइवेट वालों का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे तुम लोग बोलते हो प्राइवेट बैंक्स है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी प्राइवेट बैंक है, पब्लिक बैंक बोले तो पब्लिक बैंक नहीं, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट बैंक एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई, वो सारे क्या
इंडियन में ये सारी क्या हो गया, गवर्नमेंट बैंक्स हो गई ना, जहां पे अलग तरीका है काम करने का। सिमिलरली प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में पैसा किसका लगा होता है, प्राइवेट लोगों का, बट वेयर एज पब्लिक कंपनी में किसका पैसा लगा हुआ होगा, पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ होगा। तो बताओ गवर्नमेंट किसको इंपॉर्टेंस देगी, गवर्नमेंट किसके बारे में ज्यादा सोचेगी, पब्लिक के बारे में। जहां पब्लिक का पैसा लग जाता है गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचती है, ठीक है। प्राइवेट वालों को कुछ नहीं, प्राइवेट वाले अपने इंटेंशन से अपने मन से पैसा लगाते हैं ना, बट पब्लिक को तो बेचारा इतनी बोली वाली है, नाजुक सी है, बहला दो फुसला दो, थोड़े से वीडियो अपलोड कर दो, अच्छा अच्छा दिखा दो, सब कुछ दे देगी, तन मन धन सब ले लो, सब लूट लो हमसे, ठीक है। सो अब देखो प्राइवेट कंपनी क्या बनता है, यानी एक चीज समझ में आया, प्राइवेट कंपनी में पैसे लगते हैं प्राइवेट लोगों के और पब्लिक कंपनी में पब्लिक का पैसा लगता है। अब ये पैसा लगेगा कैसे, क्योंकि ये तो लिमिटेड बाय शेयर्स है, यानी इसका मतलब इसमें जो शेयर्स प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, पब्लिक को दिए जाते हैं क्या, सिर्फ मेंबर्स को, सिर्फ मेंबर्स को ही शेयर्स दिए जाएंगे। लेकिन वेयर इज इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, क्या हम शेयर्स ऑफर कर सकते हैं पब्लिक को भी, हम पब्लिक को भी शेयर्स ऑफर कर सकते हैं। और रहा ट्रांसफरेबिलिटी, क्या पब्लिक कंपनी के इसमें, सपोज आपने किसी एक कंपनी के शेयर खरीदे, लेट से सपोज टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर्स खरीदे, अब अच्छा खासा मार्केट में उसका शेयर वैल्यू बढ़ रहा है, क्या हम आराम से उसको बेच सकते हैं किसी और को, किसी और को चाहिए तो, प्राइवेट को, पब्लिक का टीसीएस इज ए पब्लिक कंपनी तो हम बेच सकते हैं, बट इन केस ऑफ ए प्राइवेट कंपनी आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या, प्राइवेटली लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है, तो आपको सब लोगों की कंसेंट लेनी पड़ेगी ना, सबको बताना पड़ेगा कि यार मैं बेच रहा हूं, अब मैं कंपनी का मेंबर नहीं बनना चाहता। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, जब आपका मन हो उस टाइम आप उस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर दो किसी और को। आई बात समझ में, ध्यान रख, समझा दीजिए ना, ठीक है समझाता हूं, पहले एक दो पॉइंट लिखाता हूं मैं, लिखना नंबर वन पॉइंट, मिनिमम दो मेंबर चाहिए टू क्रिएट ए प्राइवेट कंपनी, मिनिमम दो लोग चाहिए आपको, एंड मैक्सिमम दो सौ मेंबर हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, मिनिमम दो मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। वेयर इज इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी मिनिमम आपको कितना चाहिए, पांच, सात लोग, पब्लिक में कम से कम सात जन चाहिए। एक पब्लिक कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको कम से कम सात लोग चाहिए, इज इट क्लियर, एंड मैक्सिमम मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, इज इट क्लियर, प्राइवेट वाले क्या कर सकते हैं, क्या पब्लिक से पैसा इनवाइट कर सकते हैं क्या, नहीं, कैन नॉट, इट कैन नॉट इनवाइट इट कैन नॉट गिव इन्विटेशन या फिर इट कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स इन लोग नहीं कर सकते पब्लिक को कि आप मेरे शेयर्स भी खरीद लीजिए मेरे शेयर्स भी खरीद लीजिए बट वेयर एज पब्लिक कंपनी में क्या कर सकते हैं हम लोग उन लोग ले सकते शेयर्स पब्लिक हम लोग शेयर इशू कर
इश्यू कर सकते हैं. इट कैन गिव इनविटेशन टू पब्लिक फॉर और इट कैन ऑफर पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स. इट कैन गिव इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर्स. इन लोग ऑफर कर सकते हैं. दे कैन ऑफर टू द पब्लिक फॉर देयर शेयर्स कि आप लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, हमारे कंपनी के शेयर्स बाय कीजिए. इज इट क्लियर? और एक मेजर चीज, कैसे हम आइडेंटिफाई करें. देखो ये सारी चीज तो होगी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ होगा, बट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बींग जब हम रस्ते में चल रहे हैं, जब हम नॉर्मली मार्केट में हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्राइवेट कंपनी है या फिर ये पब्लिक कंपनी है. एंटरप्रेन्योरशिप में बोला हुआ है कि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 50 मेंबर होते हैं लाइक मैक्सिमम. दो सौ मेंबर हो सकते हैं. प्राइवेट कंपनी में हैव मैक्सिमम 200 मेंबर्स. पचास वाली कहानी तो पार्टनरशिप में आती है. पचास वाली कहानी तो पार्टनरशिप में आती है. मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. वो पार्टनरशिप में बोला होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप में. ठीक है. प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, इट इज कंपल्सरी कंपल्सरी टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम. इसको अपने नाम के पीछे, कोई भी कंपनी बनाएगी यदि वो प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, जैसे पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड. पतंजलि पब्लिक कंपनी है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लिस्टेड नहीं है. या प्राइवेट कंपनी मतलब जो अपने शेयर इश्यू नहीं करता ना. यस, जो अपने शेयर्स इश्यू नहीं करते, जो अपने क्या होता है रिलेटिव, काका बाबा माँ भूपा भाभी, उन्हीं को मेंबर्स बनाते हैं, उन्हीं को शेयर्स अलॉट कर देते हैं, बस हो जाता है, कंपनी क्रिएट हो जाती है. पब्लिक में आप लोग पब्लिक को शेयर्स दे सकते हो, ऑफर कर सकते हो, पैसा पब्लिक से उठा सकते हो. घर का पैसा लगाने की इतनी टेंशन नहीं है, बट उसके लिए कंपनी भी बहुत बड़ी होती है, कंप्लायंसेस वगैरह भी सारे करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है. रिलायंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कंपनी. ज्यादातर क्या प्रियल, ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, मतलब कौन सा बेटर होता है प्राइवेट या पब्लिक? जस्ट डिपेंड्स अपॉन द मनी भाई. जैसे आप छोटे छोटे बिजनेसमैन हो तो पहले, जैसे कि आपने वो देखा है क्या नाम है MDH, MDH मसाले, जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था दिल्ली में एक छोटे सी दुकान से, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, देन इट कन्वर्टेड देमसेल्व इनटू पार्टनरशिप बिजनेस क्योंकि वो थोड़ा और बड़ा बन गया था, उसमें लोग और पैसा लगाना चाहते थे. देन दे कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी क्योंकि मेंबर्स और बनना चाहते थे, उसमें उनका उनके पास अच्छा खासा फंडिंग आ रहा था. देन दे कन्वर्टेड देमसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी, और पैसा और बड़ा बनना है, और इन्वेस्टमेंट करना है, और जगह जगह फैक्ट्रीज खोलनी है, और जगह जगह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है. तब उन्होंने क्या किया, पैसा चाहिए उसके लिए. अब पैसा घर से क्यों लगाना बेवकूफी, जब नॉलेजेबल लोग हैं आप जैसे क्वालिफाइड लोग होंगे प्रोफेशनल डिग्री के साथ में ज्ञान देने के लिए कि सर इतना पैसा कमा रहे हो, टेंशन क्यों लेते हो, पब्लिक कंपनी बनाओ, पब्लिक से पैसा लो, पूरी दुनिया पब्लिक से पैसा लेके उनको बना रही है, आप भी बनाओ, पैसे वाले उनको बना रही है, आप भी उनको पैसे वाले बनाओ, खुद भी पैसे वाले बनाओ. घर का पैसा लगा के कब तक बिजनेस करोगे, तब आप जैसे नॉलेजेबल पर्सन आएंगे सूटअप होके टेंशन फ्री बना के कि आप टेंशन मत लो सर, इसको आप अपने शेयर मार्केट में लिस्ट कराओ, दौड़ेगा आपका शेयर, हम गारंटी लेते हैं. बोलता दौड़ेगा,
मुझे तो मेरे एरिया के अलावा कोई जानता ही नहीं है, दुनिया वाले क्यों मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, कि वो सारी हेडेक हमारी, वो सब कुछ हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फीस पेमेंट करनी है, जो जो फॉर्मेलिटीज के डॉक्यूमेंट हम बोलेंगे बस वो डॉक्यूमेंट देने, बाकी सारा काम हमारा। आई बात समझ में? इसी तरीके से कंपनी के शेयर्स को लिस्ट किया जाता है, और ऐसा जाके जो इंसान ज्ञान देता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अंडरराइटर। अंडरराइटर नहीं मतलब एजेंट्स होते हैं उन लोग कंपनी के, उन लोग जाके ऐसा नॉलेज देते हैं कि आप लिस्ट करवाइए। लिस्ट करवाने के लिए बोलता है लिस्ट तो करवा लूंगा लेकिन मेरा शेयर खरीदेगा कौन, और उसमें सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सर्टेन एक परसेंटेज में बताऊंगा उतना शेयर्स नहीं बिकता है ना तो आपके शेयर्स लिस्ट भी नहीं होते। बोलता फिर कौन खरीदेगा? बोलता टेंशन मत लो, हम है ना, हम ही आसी सब सब कुछ ले लेंगे। तो उस इंसान को बोलते हैं अंडरराइटर, तो ये ऐसी गारंटी लेते हैं ना उसको बोलते हैं अंडरराइटर, बताऊंगा आगे जाके। तो इसमें क्या होगा, इट इज कंपल्सरी टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, इट यूजेस द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। ठीक है, फोर्थ नंबर, भैया एमडीएच वाला जिंदा है क्या अभी भी? नहीं जी, मशहूर गुलाटी जी भगवान के पास मसाले बना रहे हैं। रिसेंटली मनाना भैया? हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मिनिमम टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। मिनिमम कितने? दो डायरेक्टर तो चाहिएंगे। डायरेक्टर कौन होते हैं? मैनेज करते कंपनी को, जो कंपनी को रन करते, मैनेज करते, डायरेक्शंस देते, लाइट्स कैमरा एक्शन चलो सारे सारे लगो है सारे एम्प्लॉयज काम में। पब्लिक कंपनी में कितना चाहिए? तीन। मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो ना। सैटरडे छुट्टी दे दो ना। सैटरडे को पार्टी देगा तुम हमको? नहीं भैया, सोएगा। अल्लाह, तो फिर हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा कोई फायदा हो रहा है तो बताओ। आपको दुआ देगा भैया, सोने के लिए भैया आप भी सोना। दुआ लिया तभी तो सीए बना हम, इससे ज्यादा क्या ही दुआ लेगा। भैया पढ़ाई कर, आप भी सो जाना। बहुत बहुत नींद आते भैया इस टाइम। मेरे सैटरडे भी है, सैटरडे एक दिन में तो क्या ही है। चलो पहले अभी तक तो फ्राइडे है, क्यों टेंशन लेते हो? अभी तो पढ़ो। समझ में आया क्या? चलो 6 बजे उठने वाला, तो आपने एक ही हफ्ता कहा था ना। क्या चीज? 6 बजे उठने वाला आपने एक ही हफ्ता कहा था ना। मैंने ऐसा कब कहा था? नो भैया, पलट नहीं कहा, हम तो मुकरते ही नहीं है। भगवान की दी हुई एक ही तो अच्छी चीज है, मेमोरी, जो मुझे याद रहता है। तो कौन सा मैं अपनी खुशी के लिए उठ रहा हूँ? मजा आ रहा है क्या मुझे? तुम्हारा ही भला हो रहा है, एग्जाम तुम्हें देना है, फीस तुम लोग मुझे दे चुके, तो मेरा क्या जाएगा? मत कराऊंगा, लास्ट में जनवरी में जाके खत्म कराऊंगा। रोते रहना भैया, एग्जाम आ गया, फेब में तो एग्जाम है। मैं बोलूंगा मैं क्या करूं, तुम लोग को सोना था, तुम लोग को एंजॉय करना था, मैंने सब कुछ किया, तुम्हारे साथ भी किया, मैं भी सोया, पार्टी किया। हाँ एग्जाम, फिर तुम लोग बोलना एग्जाम भी साथ में देने चलो। मैं क्या, ठीक है, सीबीएसई से परमिशन दिलाओ, आईसीएसई से परमिशन दिलाओ, सेबा से परमिशन दिलाओ, मैं भी चल लेता हूँ भैया। आप कुछ भूलता नहीं है ना, मतलब आप मेरे को भी कभी नहीं भूलेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, किसी को नहीं भूलता हूँ, अपने सारा स्टूडेंट्स को याद रखता है।
बुलाते रहना घर पे। जरूर बुलाते रहेंगे। किसके साथ बुलाए? जमाईसा के साथ बुलाए ना तुमको? अकेला बुलाए? कोई जमाईसा नहीं है, ठीक है ना, हम बता रहे आपको। मोहित फटाफट राज खोल सकता है तुम आज महफिल में, भरी महफिल में राज खोल दो। चुप रहना बेटर है क्या? तब ठीक है। देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं क्या प्राइवेट कंपनी में? नहीं नहीं कर सकते। बट वेयर इज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप आराम से शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि वो शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, जिसको मर्जी बायर मिला बेच दो, अच्छा वैल्यू मिल रहा है तो। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन transferability of shares. Is it clear? Transferability का मतलब transfer कर देना। तुम एक private company के मालिक, one of the मालिक हो, तुम्हारे पास भी certain shares होंगे। अब तुम्हारा मन नहीं है तो तुम किसी और को नहीं दे सकते वो। अरे तुम्हें बाकी सारे मेंबर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वेयर इज इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, सपोज तुम्हारे पास में टीसीएस के 500 शेयर्स है, तो तुम्हें टीसीएस कंपनी का परमिशन नहीं लेना कि मैं आगे किसी और को बेचना चाहता हूं, अब मैं आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं रखना चाहता। आप फ्रीली ट्रांसफर करो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। आया बात समझ में? ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना, ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना आगे। आई होप ये चीज क्लियर है। हाँ पक्का से? हाँ भाई। तो बताओ तो वन पर्सन कंपनी क्या होती है? फैमिली रन करते है बिजनेस। हाँ जिसमें फैमिली रन करते है, जैसे कि अगर उसका बेटा काम कर रहा है, मतलब पहले उसका पापा काम करेगा, पापा मर गया तो उसका बेटा काम करेगा। बिल्कुल फैमिली रन करते हैं। फैमिली रन करता, ये क्या बात हुआ? फैमिली में पहला बात है, फैमिली में कभी भी एक इंसान नहीं होता। फैमिली मीन्स लॉट्स ऑफ पीपल। जैसे कि हम लोग एक फैमिली है, मैं अपने आप को फैमिली बोल सकता हूँ क्या? ना। फैमिली मतलब बहुत ज्यादा लोग हो गए। वन पर्सन कंपनी मतलब सिर्फ एक ही इंसान। सपोज एक इकलौता इंसान है, वो भी कंपनी बनाना चाहता है, वो जाके खड़ा हो गया आरओसी के पास, आरओसी आरओसी मुझे भी कंपनी बनाने दो, मुझे भी कंपनी बना दो। आरओसी बोलता है बट पागल है क्या, अभी अभी बताया ऊपर में मिनिमम दो लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी बनाने तो मिनिमम साथ चाहिए, तेरे को अकेले को कैसे कंपनी बनाने दो? बोला कोई मेरे साथ आता ही नहीं है, मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, मुझे अकेले ही काम करना है, अकेले ही काम करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर। बोलते हैं नहीं नहीं उसमें रेस्ट्रिक्शन है, उसमें मेरे नाम से ही सब कुछ लेना पड़ता है, मैं कंपनी के नाम से लेना चाहता हूँ। के अच्छा तुझे कंपनी बनाना ही है, जिद है तेरा, हाँ मुझे भी कंपनी बनाने दो, ठीक है जा अब मैं तुम्हें स्टेटस देता हूँ कि वन पर्सन कंपनी भी तू बना सकता है, तू इकलौता मालिक फिर भी तू कंपनी कहलाएगा, तू सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहलाएगा, तुझे स्टेटस देता हूँ मैं कंपनी का। क्योंकि उसको क्या चाहिए, एक अकेले इंसान को स्टेटस चाहिए कंपनी का। दे तो दिया, क्या उसको सारी की सारी प्रिविलेजेस मिलेगी जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी? No. उसको सारी प्रिविलेजेस नहीं देंगे। वो बेचारा अकेला इंसान है तो वो कितनी बड़ी कंपनी बना, वो बड़ी कंपनी बना सकता है या छोटी कंपनी बना सकता है? छोटा छोटा कंपनी ही बना सकता है। कितना छोटा कंपनी? पॉइंट नंबर वन लिखना, जू जू किसका भाई वाइब्रेशन हो रहा है सवेरे सवेरे, इतना फोन और म्यूट भी नहीं कर रखा भैया, बिजी पर्सन है ना, आते रहता मैसेजेस सवेरे सवेरे, उठते बाबूश होना शुरू हो जाता है तुम लोग का। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो बिजी पर्सन सवेरे सवेरे तो वही होता है, इतने बिजी तो मेरे पापा भी नहीं है कि सवेरे सवेरे आए। हाँ उनके अब इन दिनों आ सकते हैं, तुम्हारे पापा की भी आ सकते हैं कि क्लाइंट का फोन आ गया कि भाई जी माल है या कोनी, दुकान खुल सी या कोनी खुले, तुम कौन सा दुकान, रियल दुकान खुलेगा आज इंस्टा वाला? हाँ हाँ खुलेगा ना, रुको
आप हर दिन हमको इंस्टाग्राम के लिए बोलते ऐसे ही बोलता है वो, एक जगह देख लेता है बोल देता है, हमको पता है, हमको पता है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना पड़ेगा? पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड, आई डोंट सी द स्टॉक फेड अप शेयर कैपिटल, शुड नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख। व्हाट डू यू मीन बाय पेड अप शेयर कैपिटल? जो जो पैसा कॉल किया और मिल गया। यस, यानी मैक्सिमम कितने रुपीस के शेयर्स पेड अप हो सकते हैं? 50 लाख। 50 लाख रुपए से ज्यादा के यदि आपने शेयर्स दिखा रखे हैं कंपनी में, तब वो 1% कंपनी नहीं होगा, तब वो या तो प्राइवेट कंपनी बनाओ या फिर आगे चल के उसको पब्लिक कंपनी बनाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, एवरेज एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग थ्री इयर्स, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ थ्री इयर्स शुड नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़। इन दोनों में से यहां पे और है, और इन दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब आपसे 1% कंपनी का टैक्स छीन लिया जाएगा, फिर आपको ऑटोमेटिक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये मतलब दोनों को फॉलो करना पड़ता है, दोनों में से दोनों तो फॉलो करना ही पड़ेगा, दोनों में पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब आपका शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाते हो ना आप लोग, वो आपका 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिखाते हैं, तो वो जो शेयर कैपिटल का फिगर है ना, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 लाख से ज्यादा चला गया, फिर आपसे 1% कंपनी का टैक्स छीन लिया जाएगा, या फिर आपका टर्नओवर पिछले 3 सालों का एवरेज, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज देखा जाएगा। जैसे कोई 1 साल में 2.5 करोड़ था, कोई 1 साल में 1 करोड़ था, कोई 1 साल में आपका 5 करोड़ था, उन 3 साल का टोटल करके एवरेज किया जाएगा। इफ वो एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, तब वो आपको 1% कंपनी का टैग आपसे छीन लिया जाएगा। इज इट क्लियर? ये सब बनाने का फायदा क्या पता है? एक तो 1% कंपनी एक छोटू सा कंपनी होता है, तब इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना होता है। बाकी जितना भी कंपनीज होता है, ऑलमोस्ट हर कंपनी को कंपलसरी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, बट 1% कंपनी को बनाना नहीं होता है। उनको बोलता है अच्छा ठीक है छोड़ो, तुम छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और रोते जिद करते कंपनी बनाया है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। एंड प्लस कंपनी लॉ में सर्टेन मीटिंग्स क्रिएट करने का, मतलब सर्टेन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का प्रोविजन है कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया तो विद इन इतना दिन ये मीटिंग करना पड़ेगा, साल में 2 या 3 AGM करना पड़ेगा, उनमें इतना गैप्स होना पड़ेगा, EGM बुलाना पड़ेगा। वो जो मीटिंग्स के क्राइटेरिया है ना, और जो कोरम होता है, कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट होने पड़ेंगे मीटिंग में, वो सारा कुछ नहीं है इसके लिए। ये तो अकेला इंसान है, ये तो जब चाहे अपने आप में मीटिंग कर लेगा, तो वो सारे प्रोविजन इसको नहीं लगते। यही फायदा है 1% कंपनी क्रिएट करने का। आई बात समझ में? पक्का पक्का? हाँ भैया। आज जितना किया वो अच्छे से क्लियर है? हाँ भैया। दे एक बार एकदम ऊपर कंपनी का डेफिनेशन दिखाइए। बस भैया। ठीक है भैया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।